बड़ी खबर हरियाणा के चरखी दादरी से मिल रही है, जहां पर उम्मीदवारों की घोषणा होने पर बीजेपी में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। तो सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं 2014 में बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे। वहीं सोमवीर सांगवान ने मंगलवार को समर्थकों के साथ ही एक मीटिंग की थी। तो सोमवीर सांगवान देर रात दिल्ली में सीएम से मिले भी थे और ठोस आश्वासन नहीं मिला, और इसी के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और कहा जा रहा है कि 4 अक्टूबर को निर्दलीय नामांकन भरेंगे सोमवीर सांगवान। बता दें कि बीजेपी की जो 78 उम्मीदवारों की सूची सबसे पहली जो सामने आई, उसमें चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान को टिकट नहीं दिया गया। हालांकि 2014 में वो वहीं से उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार अगर जैसा कि उनका टिकट काटा गया है तो सीएम से मुलाकात की गई, कुछ यहां पर आश्वासन उनको जब मिलता हुआ नहीं दिखा, तो अब उनका कहना है कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे।